नमस्ते दोस्तों, पेश है आज की प्रेरणादायक कहानी। कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। तो आइए शुरू करते हैं। ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ के राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वह वहां मौजूद बच्चों में से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। बाद में उसने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज है। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूँगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला शासक कौन होगा। इन्हीं लड़कों में ध्रुव नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुँच गया। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें बीज बो दिए और अच्छे से उसकी देखभाल करता। दिन बीतने लगे, पर हफ्ते दो हफ्ते बाद भी ध्रुव के गमले में पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। वही अब आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी थी। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले। और ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली था। वहीं दूसरी और बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लगे थे। ध्रुव का खाली गमला देख सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार में मेहनत करने से मना करते। पर बावजूद इसे ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने भी बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। ध्रुव चिंतित था क्योंकि अभी भी उसे गमले में कुछ नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गया और सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज पानी डालता था, सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। माँ ध्रुव की परेशानी समझ रही थी। उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा, नतीजा जो कुछ भी हो तुम्हें राजा को उसका दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। तय दिन सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। ध्रुव का खाली गमला देख बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वह जहां से भी गुजरते बच्चे तन कर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नज़र ध्रुव पर पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है, राजा ने पूछा। जी, मैं रोज इसमें पानी डालता था, धूप दिखाता था, 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला, ध्रुव कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गया और जब सभी गमले देखने के बाद उसने बच्चों को संबोधित किया, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी कड़ी मेहनत की, ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया। ध्रुव, तुम यहाँ मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना ध्रुव को कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया, सभी हंसने लगे। शांत हो जाइए, राजा ने ऊंची आवाज में कहा, 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था।
मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे, आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल करते उसमें से कुछ नहीं निकलता, लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ध्रुव ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। डॉट आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई की और लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकले पर दूसरा बीज नहीं लगाया, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि ध्रुव ही प्रतापगढ़ का अगला राजा होगा, यही उसकी ईमानदारी का फल है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड आपको तुरंत सूचना मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।